नया साल नया डेकेड और उसी के साथ नई ब्लॉकबस्टर 2019 सुपरहिट मूवी जैसे उरी, कबीर सिंह, गली बॉय, छिछोरे, आर्टिकल 15 और कई ऐसी मूवी से हमारी एक्सपेक्टेशन बॉलीवुड से पहले ही बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और हमें लगता है कि 2020 में भी हमें बॉलीवुड डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 2020 बॉलीवुड के लिए फुल पैक रहने वाला है। अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत सभी रेडी हैं एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर देने के लिए। तो चलिए आज के इस बॉलीवुड बाजार के एपिसोड में जानते हैं कि कैसे रहने वाला है 2020 का फर्स्ट मंथ बॉलीवुड मूवी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट साधना शर्मा, वेलकम यू ऑल इन न्यूज़ फॉर सोशल। तो चलते हैं पहली मूवी की तरफ। छपाक 2020 को एक बैंग और काफी पावरफुल सोशल मैसेज के साथ स्टार्ट करने वाली है दीपिका पादुकोण। छपाक के साथ आपने हमारा ट्रेलर रिव्यू तो देखा ही होगा। विमेन एम्पावरमेंट को शोकेस करते हुए छपाक मूवी एक ऐसी लड़की की स्टोरी बताती है जो एक एसिड सर्वाइवर है। सोसाइटी नॉर्म्स को ब्रेक करते ये मूवी डेफिनेटली एक मस्ट वॉच मूवी रहने वाली है। मूवी रिलीज होने वाली है ऑन 10 जनवरी। ऑन द सेम डेट रिलीज होने वाली है अजय देवगन की मच अवेटेड मूवी हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा तन्हाजी। स्टोरी एक मराठा वॉरियर पर बेस्ड है। तन्हाजी द अनसंग वॉरियर एक ऐसी मूवी है जो योद्धा के जीवन और समय को दर्शाता है जिसकी वीरता आज भी राष्ट्र को गौरवान्वित करती है। साल के शुरू होते ही कंगना रनौत भी रेडी है अपनी मूवी पंगा के साथ। मूवी में कंगना के साथ जैसे गिल भी सपोर्टिंग रोल में दिखेंगे। स्टोरी जय निगम एक कबड्डी प्लेयर के अराउंड रिवॉल्व करती है और इन्फेसिस करती है विमेन एम्पावरमेंट में, जिस सोसाइटी में लड़कियों को घर और फैमिली संभालने में फोकस करवाती है। वहीं ये मूवी इस प्योर स्टीरियोटाइप को तोड़ती है। ये मूवी एक बहुत ही मोटिवेशनल है और विमेन के डेली लाइफ स्ट्रगल को भी काफ़ी अच्छे से फोकस दिया गया है। एंड कंगना रनौत की स्किल्स देखते हुए इट विल बी सेफ टू से कि ये मूवी अच्छी जाने वाली है। पंगा रिलीजिंग ऑन 24 जनवरी। अब सबको मूवी थिएटर में नचाने आ रही है। 24 को ही रिलीज होने वाली है स्ट्रीट डांसर 3। वेल, इतनी अच्छी मूवी सेम डे को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये होगा कि कौन सी मूवी कितना अच्छा बिजनेस करती है बॉक्स ऑफिस पर। कॉम्पिटिशन तो बहुत टाइट लग रहा है। 2020 के स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉमिसिंग मूवी आ रही है। ABCD का थर्ड सीक्वल स्ट्रीट डांसर में वरुण और श्रद्धा ही लीड रोल में है। लगता है रेमो को ये डुओ काफ़ी ही पसंद आ रहा है। मूवी एक डांस रोमांस पर बेस्ड है। डांस के मल्टीफेरियस कलर को दिखाता है। असेंशियली मूवी दो राइवल डांस ग्रुप के बारे में है, इंडिया और पाकिस्तान। विल एज गुड एज द मूवी लुक्स, मुझे बस इंतज़ार है देखने का कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या करती है और ऑडियंस को कौन सी मूवी खुश करती है और कौन सी मूवी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। इतनी प्रॉमिसिंग मूवी साल के पहले ही मंथ में देखने को मिल रही है। आई कांट वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द देम टू रिलीज। वेल, ये था आज का बॉलीवुड बाजार का एपिसोड। आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं हमें कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएँ। If you like this video, you know the drill. Like, share and subscribe to our channel. अगर आप हमारी ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर See First का ऑप्शन जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो के साथ नोटिफाई हो जाए। If you are watching this video on YouTube, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट जरूर करें।